नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी क्रीडा चैनल के अंदर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जावा ट्यूटोरियल 3 यानी कि कमेंट के बारे में। ये जावा ट्यूटोरियल 3 है और हम लोग बात करेंगे कमेंट्स के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कमेंट्स एक्चुअली में होते क्या हैं। कमेंट्स का मतलब होता है जिन्हें कंपाइलर रीड नहीं करे, पहली बात तो मैं बता देता हूँ। और कंपाइलर अगर उसे रीड नहीं करेगा तो वो कभी भी उस चीज़ को ना तो आप लोगों को आउटपुट में दिखा पाएगा और ना ही कंपाइल टाइम उसमें एरर आएगा। तो सोर्स कोड के बीच कुछ टेक्स्ट लिखा जाता है जिसको कंपाइलर के द्वारा कंपाइल नहीं किया जाता है। अब हम लोग नोट पढ़ लेते हैं, जरूरी इंफॉर्मेशन है। जावा ही नहीं, कमेंट का इस्तेमाल हर प्रकार की लैंग्वेज के अंदर होता है। और चलिए जानते हैं जावा में कमेंट क्यों लिखे जाते हैं। कमेंट का इस्तेमाल, पहला कारण है कमेंट लिखने का, कमेंट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि कमेंट को पढ़कर सोर्स कोड को समझा जा सके। जो आप लोगों ने कोड लिखा है उसके अगर आगे आप लोग कमेंट लिख देते हैं कि ये कोड, ये लाइन किस पर्पज के लिए काम में आने वाली है, तो इससे कोड को समझा जा सकता है। दूसरा कारण है सोर्स कोड को हाइड किया जा सकता है, उसे डिलीट नहीं करें। तो इससे अच्छा है कि अगर इन फ्यूचर आप लोगों के काम में आए वो सोर्स कोड, तो आप लोग उसे दोबारा से अनकमेंट कर सकते हैं, तो डिलीट नहीं करें। तो सबसे पहला जो ये है, तो मैंने देखी यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल प्रिंट जो है वो लिखा हुआ है, तो इसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आप लोग किसी को बता देते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए किया जाता है, तो उसके लिए आप लोग कमेंट यूज कर लीजिए। देखिए ऊपर दिए गए स्टेटमेंट के जरिए जावा में हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया जाता है, तो ये डबल स्लैश का यहाँ पर उपयोग किया गया है। इन्हीं डबल स्लैश के थ्रू हम लोग कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो जावा में कमेंट तीन प्रकार से लिखे जाते हैं। पहला है लाइन कमेंट, यानी आप लोगों को अगर एक लाइन को ही कमेंट करना है तो आप लोग डबल स्लैश का इस्तेमाल कर लीजिए, उससे आप लोग उस लाइन को कमेंट कर देंगे। दूसरा है ब्लॉक कमेंट। ब्लॉक कमेंट में यानी कि मल्टीपल लाइनों को अगर आप लोगों को कमेंट करना है तो आप लोग स्लैश स्टार बैक स्लैश स्टार और आप लोग जो है स्लैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए होंगे आप लोग शायद। अब लोग फिर से मैं बता देता हूं, स्लैश स्टार स्टार स्लैश, अगर आप लोग ये यूज करते हैं तो मल्टीपल लाइनों को स्लैश करते हैं। और तीसरा है जावा डॉक्यूमेंट कमेंट, इसमें है स्लैश डबल स्टार और स्टार स्लैश, इनके बीच में अगर आप लोग लिखते हैं तो वो एक डॉक्यूमेंट्री टाइप हो जाता है ताकि पूरे प्रोजेक्ट को आप लोग बता सकें। तो हम लोग अभी देख लेते हैं कमेंट का एग्जाम्पल करके। देखिए मैं सिंगल लाइन कमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो नीचे दी गई लाइन है उससे आप लोग जो है हेलो वर्ल्ड प्रिंट जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो सिंपल आप लोग लिख दीजिए, दिस लाइन इज यूज्ड फॉर कमेंट, एंड ये लाइन जो है वो इस्तेमाल की गई है, जो अभी हम लोग लिख रहे हैं वो कमेंट के लिए इस्तेमाल की गई है, और जो नीचे दिया गया स्टेटमेंट है वो किस काम में आएगा, वो आएगा हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए, जाहिर सी बात है। तो उससे आप लोग जो है, कोई भी प्रोग्रामर अगर समझना चाहेगा तो वो आसानी से समझ जाएगा कि ये लाइन जो है नीचे वाली लाइन वो किसके लिए लिखी गई है, वो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए लिखी गई है। अब हम लोग जावा डॉक कमेंट की बात करते हैं। जावा डॉक कमेंट का मतलब मैंने बताया था डॉक्यूमेंट्री टाइप लिखने की, कि ये पूरा प्रोजेक्ट किसके लिए डिजाइन किया जाता है। तो उसके लिए आप स्लैश डबल स्टार और उसके बीच में कुछ कमेंट वगैरह लिखिए, कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप में लिखिए और फिर स्टार स्लैश लगा दीजिए। मल्टी लाइन होता है तो आप लोग कितनी भी मल्टी लाइन यूज में ले सकते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, दिस प्रोजेक्ट इज डिजाइन फॉर लर्निंग जावा, ये जो प्रोजेक्ट है वो डिजाइन किया गया है जावा को सीखने के लिए। हेयर वी हैव सम ट्यूटोरियल्स, जो हम लोग यहाँ पर आप लोगों को कुछ ट्यूटोरियल्स बताने वाले हैं, जैसे कि पैकेज के बारे में है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, लूप कैसे काम करते हैं। तो ये कोर जावा का ट्यूटोरियल होगा, इसी के थ्रू तो हम लोग आसानी से आप लोगों को बता पाएंगे। तो ये एक डॉक्यूमेंट्री टाइप है, हम लोग आप लोगों को यहाँ पर इंडेक्स टाइप भी दे सकते हैं कि इसी पूरे प्रोग्राम के अंदर हम लोग जो है आप लोगों को पूरा जो है जावा का कोर जावा ट्यूटोरियल हम लोग आप लोगों को बता देंगे। तो हाउ टू यूज कमेंट्स, कैसे यूज करते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड मैसेज, तो ये सिंपल एक डॉक्यूमेंट्री टाइप है। तो इसको हम लोग देखिए कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, स्लैश डबल स्टार स्टार स्लैश से। अब हम लोग बताते हैं आप लोगों को कि मल्टी लाइन कमेंट्स हम लोग कैसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल कब करना है आप लोगों को, जब एक से ज्यादा लाइन को आप लोगों को कमेंट करना हो। आप बोलेंगे कि हम लोग डॉक्यूमेंट्री टाइप भी ले सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्री टाइप का मतलब अलग है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि डॉक्यूमेंट्री टाइप किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए, कि ये प्रोजेक्ट किसके लिए डिजाइन किया जा रहा है। देखिए हम लोगों ने रन किया इस प्रोजेक्ट को और उस पर न्यू लाइन में हेलो वर्ल्ड 4 बार प्रिंट हो चुका है।
अब हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स का इस्तेमाल में लेना चाहते हैं, तो मल्टी लाइन देखिए सिंगल लाइन कमेंट लिया स्टेटमेंट को हम लोगों ने, तो यहाँ पर 3 बार ही हेलो वर्ड जो है आप लोगों को प्रिंट होगा। दोबारा से आप लोग री रन कीजिए तो 3 बार हेलो प्रिंट हुआ। तो इस सिंगल लाइन कमेंट का इस्तेमाल आप लोगों ने ये भी बता दिया कि ताकि प्रोग्रामर समझ सके कोड को, और आप लोगों ने हाइड भी कर दिया। इन फ्यूचर दोबारा से अगर आप लोगों का वो हेलो वर्ड काम में आया तो आप लोगों ने उसको हाइड कर दिया। दूसरा एडवांटेज आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग डिलीट नहीं करें स्टेटमेंट को, आप लोग हाइड कर दें कमेंट के जरिए। अब लोग आप लोगों ने मल्टीपल लाइनों को हाइड कर दिया है और डिलीट होने से बचा लिया है, तो इसमें आप लोगों को सिंगल हेलो वर्ड आएगा। लेकिन इन फ्यूचर अगर काम में आएगा आप लोगों के, तो आप लोग उसे अनहाइड कर सकते हैं, अनकमेंट कर सकते हैं, ताकि वो इन फ्यूचर काम में आ जाए। तो आप लोगों को समझ गया हो, आप लोग समझ में आ गया होगा कि सिंगल लाइन कमेंट का इस्तेमाल भी आप लोग एक लाइन को हाइड कर, एक लाइन को या स्टेटमेंट को आप लोग हाइड कर सकते हैं, इन फ्यूचर आप लोग काम में ले सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट का इस्तेमाल प्रोग्रामर को समझाया जा सकता है कि नीचे दी गई लाइन या सामने दी गई लाइन या पीछे दी गई लाइन किस पर्पस में काम में ली जा रही है। तो जाहिर सी बात है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ डिसएडवांटेज भी बताते हैं कि आप लोग मल्टी लाइन कमेंट जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल में नहीं ले सकते। जैसे कि मैंने डबल कोटेशन स्टार स्लैश यहाँ पर काम में लिया, तो ये एज इट इज जो स्ट्रिंग है वो आप लोगों की प्रिंट कर देगा। देखिए स्लैश स्टार हेलो वर्ड, तो यहाँ पर जो है वो डबल कोटेशन के बीच में आप लोगों ने कमेंट का इस्तेमाल किया है, अभी देखिएगा। लेकिन अगर आप लोग डबल कोटेशन से पहले अगर आप लोग कमेंट के फॉर्मेट का इस्तेमाल करते तो शायद वो कमेंट जो है आप लोगों का काम में आता। लेकिन आप लोगों ने देखिए ऐसे किया, तो डबल कोटेशन के बीच में ये चीजें हैं। आप लोग सोचेंगे कि एच प्रिंट करेगा या नहीं करेगा, एच प्रिंट करेगा, बिल्कुल एज इट इज जैसी लाइन प्रिंट कर देगा ये देखिएगा, ये देखिए एज इट इज, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट जो है वो डबल कोटेशन के बीच में स्टार्ट किया है। तो डबल कोटेशन का मतलब ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही ट्रीट करके चलेगा इस चीज को, ऐसे नहीं करेगा, ठीक है, कमेंट नहीं करेगा इस चीज को। आप लोग समझ गए होंगे कमेंट का इस्तेमाल आप लोग कहाँ करें, जहां पर कोई डबल कोटेशन स्टेटमेंट के बीच में ना हो। अब देखिए यहां पर डबल कोटेशन के बीच में नहीं है, मैं यहां पर लिख देता हूं दिस इज यूज्ड फॉर कमेंट या हेलो वर्ड, ये मैं यहां पर लिख देता हूं, तो सिंपल सी बात है कि ये कमेंट हो जाएगा और बाकी की जो हेलो वर्ड है वो प्रिंट हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर कमेंट जो है वो काम करेगा, इसको कंपाइलर कंपाइल नहीं करेगा और हेलो वर्ड को ही सिंपल प्रिंट जो है वो करने का काम करेगा। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि कहाँ पर आप लोगों को ये अप्लाई करना है। अब जैसे कि अगर मैंने मल्टीपल लाइन कमेंट्स के बीच में फिर से मल्टीपल लाइन कमेंट लगा दिया, तो वो कंपाइलर के लिए समझ में नहीं आएगा कि कौन सा स्टार्ट पॉइंट है और कौन सा एंड पॉइंट है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, देखिए मैंने मल्टीपल लाइन कमेंट का इस्तेमाल कर लिया है, दिस इज मैं यहाँ पर ब्लॉक कमेंट, ये ब्लॉक कमेंट है, और मैं दोबारा से यहाँ पर ये जो मल्टी लाइन कमेंट है उसका इस्तेमाल जो है वो कर लेता हूँ। तो इसको ये समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअली में कौन सा कमेंट जो है वो स्टार्ट है और कौन सा एंड है। तो मल्टीपल लाइन कमेंट के बीच में दोबारा से आप लोग मल्टीपल लाइन कमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है आप लोगों का कमेंट के बारे में। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए सभी चीज़ों के बारे में, इसीलिए मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है आप लोगों के सामने लाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग मल्टीपल लाइन कमेंट के बीच में सिंगल लाइन कमेंट का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, तो वो आसान आप लोगों के लिए होगा। तो देखिए मल्टीपल ब्लॉक लाइन्स हैं, उसके बीच में मैं एक सिंगल लाइन कमेंट यानी कि डबल स्लैशेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ और वो आसानी से हो भी पा रहा है, उसके लिए कोई एरर आप लोगों के पास नहीं आएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।